सर पुलिस का बर्ताव पुलिस जैसा था ही नहीं। इफ दिस इज पुलिस, नहीं चाहिए सूरत में पुलिस। पुलिस नहीं होनी चाहिए, क्यों चाहिए? जैसे ऐसे मारपीट करते क्यों? इसलिए हम लोग हमारी ड्यूटी कर रहे थे। 4 बजे के बाद सबको पता है 10 to 4 की ब्रांच होती है। 4 o'clock के बाद ग्रिल लग गई थी, खोल के अंदर आके जबरदस्ती बोलते नहीं पासबुक प्रिंट कीजिए। मेरे ऑफिसर ने बोला भी उनको कि भाई नहीं, टाइम हो चुका है, पासबुक प्रिंटर भी हमारा खराब है। 2 दिन पहले हमने उस आदमी को स्टेटमेंट भी दे दिया था, तो भी वो अंदर घुस के आके मेरे साथ मारपीट कर दी। या तो पुलिस ऐसी है, तो पुलिस नहीं होनी चाहिए सूरत में। खास करके एक बात, आपको कितनी बार उन्होंने मारा और पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपके साथ किस तरह का व्यवहार? 3-4 बार मारा है। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने भी उनकी बहुत सपोर्ट की है। यस डेफिनेटली, क्योंकि उनका स्टाफ है तो उन्होंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की है। ओवर द कोर्ट बाहर आप सेटलमेंट कर लीजिए। आप मुझे ये बताओ बदतमीजी की कौन सी सेटलमेंट होती है? मेरे साथ जो उसकी कौन सी सेटलमेंट होती है? उसकी सेटलमेंट नहीं होती है। मैं अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ कि उसने मुझे इधर उधर छुआ है, मुझे मारा है। आज तक मेरे घर पे मुझे मेरे पति ने ऐसे जोर से हाथ तक नहीं लगाया। आई एम गॉन स्लीपलेस फ्रॉम 3 days। मैम खास करके क्या न्याय की उम्मीद रखती हैं आप? किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय चाहिए हमें। आई डोंट नो अब कैसे न्याय मिलेगा। पुलिस शुड बी सस्पेंडेड, नॉट ओनली ही दैट होल ऑफ दैट स्टेशन शुड बी सस्पेंडेड, क्योंकि सब उसके सपोर्ट में खड़े थे। डरा रहे हम लोगों को सर। एक सरकारी नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल का जो वीडियो वायरल हुआ, केनरा बैंक की जो सूरत ब्रांच है उसमें, सारोली गांव में जो ब्रांच है उसमें एक पुलिसकर्मी किसी रिश्तेदार की पासबुक एंट्री के लिए आया, और आप उस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हो कि वो पुलिसकर्मी 4 बजे बाद में ब्रांच में आया था। तो जो बैंक कर्मी है उन्होंने कहा कि आज पासबुक एंट्री नहीं होगी। बैंक की जो पासबुक एंट्री का टाइम 10 से 4 है और साथ में पासबुक प्रिंटर भी ख़राब होने की बात बैंक कर्मियों ने कही। इससे जो पुलिसकर्मी है वो भड़क गया और वो उसने जो वहाँ पे काउंटर पे जो ऑफिसर बैठा था उसके साथ गाली गलौज की। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जो उसके बैंककर्मी के जो पास में जो महिला बैंककर्मी खड़ी थी उसने इस घटना का वीडियो शूट कर लिया। इससे पुलिसकर्मी नाराज़ हो गया और उसने जो महिला बैंककर्मी के केबिन में घुसकर उसके साथ मारपीट की। दोस्तों आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में मैं आपको महिला जो बैंककर्मी है उसका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में दोस्तों आज जो ABP न्यूज़ ने जो इस वीडियो और इस घटना पे जो अपनी न्यूज़ दी है उसमें बैंककर्मियों को का भी निगेटिव रोल दिखाया है। उन्होंने बताया कि वह 3 दिन से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हो CCTV में वो 4 बजे बाद में बैंक आया था, और दूसरी चीज़ अगर वो 3 दिन या 4 दिन से चक्कर भी लगा रहा था तो उसके पास दूसरा ऑप्शन था मारपीट करना, कोई ऑप्शन थोड़ी सॉल्यूशन थोड़ी है। वो चाहता तो मैनेजर को अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था, अगर वो बैंक से संतुष्ट नहीं था तो ओम्बुड्समैन में भी वह अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता था, लेकिन मारपीट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से लोग बैंक पुलिसकर्मी की साइड ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग पुलिसकर्मी की साइड ले रहे हैं उनको उस महिला बैंककर्मी के हिसाब से सोचना चाहिए। अगर वो उनकी बहन बेटी होती तो भी क्या वो पुलिसकर्मी की साइड लेते? क्योंकि मारपीट किसी भी घटना का समाधान नहीं है। अगर इसमें बैंक की गलती है या पुलिसकर्मी की गलती है वो दूसरी बात है, लेकिन पुलिसकर्मी ने जो मिसबिहेव किया या दुर्व्यवहार किया वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और दोस्तों मैं आपको जो महिला बैंककर्मी है उसका बयान भी सुनवाता हूँ, और साथ में जो ABP न्यूज़ ने इस खबर की निगेटिव रिपोर्टिंग की वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और आप इस वीडियो को शेयर करना, और साथ में दोस्तों जो बैंककर्मी है हमारे आर्थिक सिपाही है और कोरोना में बैंककर्मी भी काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। बैंककर्मियों ने पहले नोटबंदी में भी काफी अच्छा योगदान दिया और अभी कोरोना में भी बैंककर्मी देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत ढाल बन के खड़े हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो पर आप कोई भी हो आप लोगों को बैंककर्मियों का साथ देना चाहिए।